तो इंशाल्लाह तुम्हारा ताला उसके खुलू बर्ताव से आप खुद रोशन होंगे और माहौल को भी रोशन करेंगे, समाज को भी रोशन करेंगे और फुल जवार के रहने वालों को भी खुशनवा और महजब बना देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इसी के साथ मैं आप लोगों को मुबारकबादी देता हूँ कि अपने बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के मुंतज़मीन को हौसला अफजाई करें, उनकी हौसला अफजाई करें ताकि आपके बच्चे इस इदारे से फैजियाब और कामयाब हों। अस्सलामु अलैकुम। वो हमारे उस्ताद हैं और उन्होंने हमें दुआओं से नवाजा, हमें बहुत अच्छा लगा। ये बात सच है कि प्रत्येक अभी का जो माहौल है इनमें हर एक आदमी को चाहिए कि वो इल्म याफ्ता हो, यानी एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि आपको हर समय ये आपके लिए एक तलवार का काम करेगा। और सिर्फ एक आदमी को नहीं, ये पूरे कौम को चाहिए, पूरे मिल्लत को चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो या कोई भी धर्म के मानने वाले हो, वो एजुकेटेड होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक आदमी के एजुकेटेड होने से कुछ नहीं होता। हमें एक शेर याद आ रहा है कि एक हल्का जंजीर तो जंजीर नहीं, एक हल्का जंजीर तो जंजीर नहीं, एक नुक्ता तस्वीर तो तस्वीर नहीं, तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक शख्स की तकदीर कोई तकदीर नहीं। तो चलिए इसके साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम बच्चों को, कुछ बच्चों को ग्रुप सॉन्ग के लिए बुला रहे हैं। सारे जहाँ से अच्छा जो है अल्लामा इकबाल साहब के बहुत मशहूर नज़्म रहे हैं, आएंगे और आपके सामने ये नज़्म रखेंगे। सारा जहाँ से अच्छा हसन क्लासेस पढ़वा के सभी प्यारे दोस्तों एम आए हुए माननीय मुख्य अतिथिगण, मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भाषण देने जा रहा हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई मिस्टेक। आज हम यहाँ गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर को मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज हमारे गणतंत्र दिवस को पूरे 71 साल हो चुके हैं। हर साल पूरे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में बहुत उत्साह और खुशी से मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का प्रमुख कारण यह है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ तब भारत स्वशासित देश नहीं था,
26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत एक स्वशासित देश बन गया। इसी कारण 26 जनवरी को हर साल पूरे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में बहुत उत्साह और खुशी से मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का प्रमुख कारण गणतंत्र दिवस का अर्थ देश के सभी लोगों को शक्ति और स्वतंत्रता है, ताकि देश को सही क्षेत्र या सही दिशा में नेतृत्व करने के लिए अपने नेताओं को चुन सके। भारत एक गणराज्य देश है जहां जनता एक नेता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में अपने नेताओं का चुनाव करती है। भारत के जनता को स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे संविधान एक है, हम सब भारत के नागरिक है। जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमारी पहचान एक भारतीय होने के नाते ही होती है। विभिन्नताएं तो हमारे देश को सुंदर बनाती है। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज्य लाने के लिए बहुत कुछ संघर्ष किया है। हमारे महान भारतीय टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक उल्ला खान आदि का बहुत बड़ा योगदान है। हम भारतीयों को उन महापुरुषों के प्रति उनके योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। केवल उनके बलिदान के कारण ही ये सब हो पाया है। हमारे देश स्वतंत्रता रूप से जी सकते हैं। हमें भारतीय होने पर गर्व है कि खून तो हर एक की रगों में दौड़ती है, मगर लहू वही होती है जो देश की काम आती है। जय हिंद, जय भारत।